हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। केवरली में मिला कोरोना पॉजिटिव, मौके पर पहुंचा प्रशासन, गांव में किया गया सैनिटाइजर का छिड़काव, कोरोना संक्रमित व्यक्ति के परिवार का भी लिए सैंपल। आबू रोड केवरली गांव में अहमदाबाद से पहुंचा व्यक्ति जांच में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इससे प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। अधिकारियों का काफिला मौके पर पहुंचा, संक्रमित व्यक्ति के साथ उसके परिवार के सदस्यों के सैंपल लिए गए। गांव में पहुंचने वाले गलियों में आवागमन बंद कर दिए गए, लोगों को घर में ही रहने की नसीहत दी गई। संक्रमित व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस से सिरोही आइसोलेशन वार्ड ले जाया गया। वहीं उसके परिवार के 2 सदस्य को किवरली के मानसरोवर आइसोलेशन सेंटर में भेज दिया गया। एहतियात के तौर पर पूरे गाँव में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। केवरली गाँव में गुजरात, अहमदाबाद समेत विभिन्न प्रांतों के 431 प्रवासी पहुंचे हैं। अहमदाबाद से पहुंचे एक युवक को खांसी व बुखार था, इस पर उसका सैंपल लिया गया, जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। आबू रोड तहसील में कोरोना का तीसरा मामला सामने आते ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। BCMO डॉक्टर गौतम मुरारकर, तहसीलदार दिनेश आचार्य, विकास अधिकारी शैलेंद्र जोशी, सदर थाना अधिकारी आनंद कुमार, नर्सिंग कर्मी पटवारी मौके पर पहुंचे। युवक को 108 एम्बुलेंस से सिरोही के आइसोलेशन वार्ड भेजा गया। वहीं परिवार के 2 सदस्यों के सैंपल लेकर उनको केवरली मानसरोवर आइसोलेशन सेंटर भेज दिया गया। केवरली में कोरोना पॉजिटिव मिलने पर गांव की गलियों में बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। साथ ही पहाड़ का नाड़ी, रानेला तालाब व विद्यालय खेल मैदान में नरेगा कार्य को बंद कर दिया गया। लोगों को घरों के बाहर नहीं निकलने की नसीहत दी गई। वहीं पूरे गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। गौरतलब है कि आबू रोड में एक महिला के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर शहरी क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया। कर्फ्यू लगातार जारी है। वहीं अब केवरली गांव में कोरोना पॉजिटिव सामने आने से गांव में कोरोना संक्रमण के बढ़ने की संभावना बलवती होती जा रही है। आबू रोड से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।